हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं सिंह। तो फ्रेंड, आज अपने बीमा स्टूडियो का स्वागत है। तो फ्रेंड, आज से हमने अपने पेट्रोल पंप की सिक्योरिटी कुछ ज़्यादा ही बढ़ा दी है। सिक्योरिटी क्यों बढ़ाई है, ये आपको पता ही होगा फ्रेंड कि पेट्रोल पंप पर अधिकतर लूटपाट होती रहती है। लूटपाट का मतलब है कि कई ऐसे लोग आते हैं कि पेट्रोल पंप से लूटपाट करके भाग लेते हैं और हम लोग उनका कुछ नहीं कर पाते, यानी पकड़ में आता है तो बात की बात है, जहाँ तक है वो भाग जाते हैं। और कुछ लोग ऐसे आते हैं कि रात के समय आपसे बोलें कि गाड़ी का टैंक फुल कर दीजिए। आपने गाड़ी का टैंक फुल किया और एक हाथ में आपने नोजल को पकड़ा और दूसरे हाथ से उसका ढक्कन को किया बंद। जैसे ही आप मशीन के पास आएंगे और नोजल को वहां पे रखेंगे और वो गाड़ी वाला तुरंत ही वहां से भाग लेगा। कई पेट्रोल पंपों से ऐसा हुआ है और ऐसा होता है, इसलिए यह सब ध्यान में रखते हुए हमने अपने पेट्रोल पंप की सिक्योरिटी कुछ ज्यादा ही बढ़ा दी है। सिक्योरिटी कैसी बढ़ाई है, चलिए अभी आपको मैं बताता हूँ। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। यदि चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि मैं पेट्रोल पंप से जुड़ी वीडियो बनाता रहता हूँ। तो चलिए फ्रेंड, अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने अपने पेट्रोल पंप पर सिक्योरिटी कैसे बढ़ाई है। चलिए, तो देखिए फ्रेंड, हमने अपने पेट्रोल पंप की सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए क्या किया है। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे हमने एक आईटी रैग लगवाया है। इसमें हमारा जो आईटी रैग है, इसमें आईपी कैमरों का पूरा सेटअप है, जहाँ पे एनवीआर रखा गया है और पीओई स्विच रखा गया है, और यहाँ से इसकी सप्लाई दी गई है नीचे से। सप्लाई देने के बाद यहाँ पे जो भी हमारा सारा सिस्टम है इस कैबिनेट के अंदर फिट है, जो कि हमारा एक आईटी रैग है, इसमें कर दिया है हमने बंद। तो हमारा एक ऑफिस में एक आईपी कैमरा लगाया गया है, जहाँ पे हमने सी पी प्लस का आई पी कैमरा यूज किया है, जो कि यहाँ पे 4 MP का एक आई पी कैमरा है। तो चलिए फ्रेंड, अभी आपको मैं बाहर दिखाता हूँ बिल्डिंग के। और देखिए फ्रेंड, ये हमारी ये पेट्रोल पंप की जो बिल्डिंग है, देखिए यहाँ माता रानी का झंडा लगाया गया है। यहाँ पे हमने एक दो आई पी कैमरे लगाए हैं, ये भी हमारे 4 MP के आई पी कैमरे हैं, जो कि सी पी प्लस के हैं। ये हमारा पूरा पेट्रोल पंप कवर करेंगे। अभी ये दो हमारे जो कैमरे हैं, इनसे कवर नहीं होगा। और हमने जी ओपन वायर डलवाई है, क्योंकि ये अंडरग्राउंड वायर नहीं गई है। यहाँ से एक ये पाइप आया हुआ है, तो यहाँ भी इसको अंडरग्राउंड अभी होना है, अभी हुआ नहीं है। इसके बाद फ्रेंड यहाँ पे चलेंगे। अभी देखिए, तीन कैमरे हो चुके हैं, दो कैमरे ए लगे हैं और चौथा कैमरा हमारा यहाँ पर लगाया गया है। ये भी 4 MP का कैमरा है। इसके बाद फ्रेंड और भी कैमरे लगे हुए आपको अभी मैं देखिए फ्रेंड, एक कैमरा हमने ए लगाया है, जो कि ये भी 4 MP का आईपी कैमरा है। देखिए, यहाँ पे हमारा पैनल रूम, स्टॉक रूम और फ्रेंड देखिए, एक कैमरा हमने एक पूल पे लगवाया है, जो कि हमारा एक पूल है, इस पे भी हमने आईपी कैमरे को लगवाया है। थोड़ा शाम हो गया इसलिए ये दिखाई नहीं दे रहा है सही से। हमने यहाँ भी लगवाया है, हमारी ये बिल्डिंग है, पूरी बिल्डिंग पर आईपी कैमरे लगवाए हैं हमने। देखिए, तो फ्रेंड जो हमने कैमरे लगाए हैं वो सब सीपी प्लस के कैमरे हैं और अपने पेट्रोल पंप की सिक्योरिटी कुछ ज़्यादा ही। तो फ्रेंड जितने भी हमने अपने पेट्रोल पंप पे कैमरे लगवाए हैं वो सब सीपी प्लस कंपनी के कैमरे हैं और सब आईपी कैमरे हैं। अभी हमारे पेट्रोल पंप पे टोटल 12 कैमरे लगे हैं, जो कि 4 कैमरे मशीन पर लगे हैं और 4 कैमरे हमारे बिल्डिंग पर लगे हैं, एक कैमरा हमारे ऑफिस में लगा है और 3 कैमरे हमारे पूल पे लगे हैं, जो कि टोटल 12 कैमरे हमने लगवाए हैं। और यहाँ का पूरा आईटी रैक, बड़ा वाला जो हमारा आईटी रैक है, कुछ इस तरीके का, ये हमारा ऑटोमेशन सिस्टम का आईटी रैक है, जो कि यहाँ लगा हुआ है। और ऐसा ही सेम वहाँ पे हमने लगाया है, वो कि ओनली कैमरे के लिए लगाया है, जिसमें 16 चैनल का एक एनबीआर रखा गया है और 16 पॉट वाला एक पीओई स्विच रखा गया है, जो कि गीगा पीओई स्विच होता है। गीगा पीओई स्विच का मतलब होता है फ्रेंड कि हम अपने कैमरे की जो हमारी केबल होती है उससे अपने, जैसे मान लीजिए यहाँ से 200 मीटर की दूरी पर भी आप कैमरा लगाएंगे तो आपका कैमरा बिलिंग वगैरह कुछ भी नहीं होगा, जैसे चल रहा है वैसे ही चलेगा, कोई किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप 200 मीटर भी लाइन डाल के कैमरा लगा सकते हैं, तो ये बहुत अच्छा रहता है। जैसे लंबी दूरी पे हमें कैमरा लगवाना है तो हमने सीधा 200 मीटर का केबल लगाया और वहाँ से कैमरा को अपना सेटअप कर दिया, तो वो बेस्ट रहता है। जैसे कि हमारे रोड साइड जाते हैं, दो कैमरे हमारे दो जहाँ पर दो पुल लगे रहते हैं रोड की साइड, वहाँ पे जाते हैं। तो इससे क्या होगा फ्रेंड, इससे हमारे पेट्रोल पंप की सिक्योरिटी कुछ ज़्यादा बढ़ जाएगी। कुछ लोग ऐसे आते हैं कि जो भाग जाते हैं पेट्रोल डलवा के, अब वो नहीं भाग पाएंगे। उस इससे क्या हुआ कि
उनका जो गाड़ी नंबर है, गाड़ी नंबर कैचअप हो जाएगा, और उसका जो फेस वगैरह है उसका फेस कैचअप हो जाएगा। तो इससे उसको पकड़ने में काफ़ी मदद मिलेगी, और कैमरे को देख के अच्छे अच्छे लोगों का पसीना छूट जाता है। इसका मतलब है कि फ्रेंड कई लोग ऐसे भी होंगे अब कि जैसे ही पेट्रोल पंप पर कैमरे देखेंगे तो वहां से चौंक जाएंगे और वहां से भागने का सोचेंगे भी नहीं। तो इस प्रकार से हमने अपने पेट्रोल पंप की सिक्योरिटी बढ़ाई है। यदि आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ओके फ्रेंड, आज वीडियो में इतना ही। नमस्कार।